हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि किचन एंड कुकिंग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन शेक, इसे हम स्मूदी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी शेक है और इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसमें हमें एनर्जी भी मिलती है और इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी है, विटामिन भी है। तो अगर आपने मेरे चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो प्रोटीन शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हैं 2 केले और 1 सेब। तो मैंने इनके छिलके निकाल दिए और इनके लिए मैंने चॉप्ड कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है मैंने, क्योंकि इनके लिए हम ग्राइंड करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है जार, और जार में मैं ये दोनों फ्रूट्स डाल दूँगी, केले और सेब। तो मैंने इन्हें डाल दिया है। फ्रूट्स हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 किलो दूध, तो मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। फिर मैं इसमें 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, हमें ज़्यादा मिठास भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें फ्रूट्स डाल रहे हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप फ्रेश क्रीम, मैंने यहाँ पे अमूल की क्रीम यूज़ की है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पीनट बटर। फ्रेंड्स, पीनट बटर बहुत ही अच्छा होता है और इससे हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के डाल दूँगी पीनट बटर। इसके बाद मैं इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल ली हूँ। मैंने यहाँ पे 4-5 टुकड़े लिए हैं, बस हमें इसे ठंडाई के लिए डालना है, हमें ज़्यादा पानी भी नहीं करना है स्मूदी में, इसलिए मैंने 4-5 टुकड़े लिए हैं। और फिर मैं इसे करीबन 4 से 5 मिनट तक ग्राइंड कर लूँगी, जब तक ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो जाता है तब तक। तो देखिए, इन्हें मैं धीरे धीरे ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए, प्रोटीन शेक ग्राइंड हो गया है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये फ्रेंड्स बनके एकदम तैयार हो चुका है हमारा ये प्रोटीन शेक। और इसमें फ्रेंड्स आपने खुद देखा कितना सारा प्रोटीन है और इससे कितनी एनर्जी आएगी। तो एक बार आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसके लिए लाइक एंड शेयर कीजिए और घर में भी ट्राई कीजिए, और मेरे साथ भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आपके लिए रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।